आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सामूहिक क्षमापन समारोह मनाया गया। इस दौरान त्यागी व्रतियों का सकल दिगंबर जैन समाज ने अभिनंदन कर सम्मानित किया। 1 अक्टूबर को जयपुर के रामलीला मैदान में राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित सामूहिक क्षमापन समारोह मनाया गया। इस दौरान संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 दिन उपवास करने वाले 61 त्यागी व्रतियों का जयकारों के साथ अभिनंदन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस मौके पर आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज ने कहा कि विज्ञान आधुनिकता को बढ़ावा देता है, केवल शरीर के लिए। विज्ञान आधुनिकता को बढ़ावा देता है शरीर के सुख के लिए, और जैन धर्म अध्यात्म को विकसित करता है आत्मिक सुख को प्राप्त करने के। दोनों सुखों की चेष्टा के लिए ही मनुष्य का सारा पुरुषार्थ होता है। आप अपनी जिंदगी को देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको महसूस होगा आपका सारा पुरुषार्थ केवल सुख को प्राप्त करने का है, लेकिन वह सुख इंद्रिय सुख है। अतिंद्रिय सुख की कामना आपके भीतर पैदा अवश्य होती है। सभा में उपवास करने वाले 61 त्यागी व्रतियों का भव्यता के साथ स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सकल दिगम के लोग मौजूद रहे। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।